सरदारपुर के दसाई में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को नगर के अति प्राचीन राम रामेश्वर मंदिर से राम रामेश्वर वृक्षारोपण समिति के तत्वाधान में भगवान भोले का विशाल डोला नगर भ्रमण के लिए निकला। आपको बता दें, सुबह भगवान भोले का महाभिषेक उज्जैन के प्रसिद्ध पंडितों द्वारा किया गया। अभिषेक के तुरंत बाद ही भोलेनाथ सुंदर सजी पालकी में नगर भ्रमण के लिए निकले और भोले ने अपनी प्रजा का हाल जाना। जैसे ही मंदिर परिसर में ढोला निकला, वैसे ही नगर के चारों ओर धार्मिक माहौल बन गया और झमाझम बारिश प्रारंभ हो गई। बरसते पानी में भी भोले के भक्तजन नृत्य करते चल रहे थे। ढोले में भूतों की बारात के साथ ही भोलेनाथ पार्वती व राधा कृष्ण के नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं हाथी पर शिवलिंग भी सभी को आकर्षित कर रहा था। रास्ते भर में कई समितियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन की तर्ज पर निकले भोले। आज सभी भक्त बड़े आनंद और उत्सव के साथ यह कार्यक्रम मनाते हैं। उसी क्रम में प्रति अमावस्या को रामधून, प्रति पूर्णिमा को रामायण पाठ 24 घंटे का नित्य निरंतर चलता है। उसी क्रम में प्रतिवर्ष श्रावण मास में अखंड रामायण का यह पाठ भी यहाँ पर चलता है। वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षों का यहाँ पर वृक्ष मंदिर तैयार किया गया है। आइए सभी भक्तजन इस प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ पधारे और भगवान की यह शाही सवारी का आनंद। शाही में सवारी में क्या क्या विशेष रहेगा? भूत बराती, हाथी घोड़े और भगवान की पालकी, ढोल नगाड़े घोड़े, इस प्रकार सभी भगवान की इस बारात में साथ में सब भक्तजन चले। आपका नाम? जीवन पाटिल। जय श्री राम रामेश्वराय। ग्राम दसाई में श्री राम रामेश्वर मंदिर से भगवान श्री राम रामेश्वर जी की शाही सवारी एवं पालकी निकाली जा रही है, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए द्वार द्वार जा रहे हैं और सभी भक्तगण आनंद मंगल से आनंद ले रहे हैं और सभी हर जगह नुक्कड़ सभाएँ, जहाँ भी हर जगह भगवान का स्वागत हो रहा है और भगवान सभी को आनंद मंगल में कर रहे हैं और हाथी घोड़ा भूत बराती पालकी के साथ में भगवान श्री राम रामेश्वर पधार रहे हैं। आपका नाम? अनिल पाटिल।